खरगोन के बिस्टान रोड पर मुखबिर की सूचना पर खाद्य विभाग और पुलिस टीम ने चावल से भरे एक ट्रक को जब्त किया है और मामला जांच में लिया है। हम आपको बता दें कि सोसाइटी में गरीबों को मिलने वाला चावल मंडी में बिकने जा रहा था, जिसे टीम ने जब्त किया है। इस दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जाँच करके उचित कार्यवाही की जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सूचना मिली थी कि बिस्टान रोड तरफ से ट्रैक्टर में चावल आ रहा है, जो कि PDS का होने की सूचना थी। सूचना पर थाने से पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की है। उसमें ट्रैक्टर को बिस्तर नाके पर रोक के चेक किया, उसमें 14 कट्टी चावल है और उनके दस्तावेज के संबंध में और आगे की कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी उसमें बनेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। कहाँ से खरीदा? सर, मेरा खर्चे का काम है अनाज का। मैं किलो, दो किलो, चार चार किलो लेता हूँ और या साफ सफाई करके उसी को वापस बेचता हूँ। क्या कंट्रोल वालों से खरीदते हैं? नहीं, कंट्रोल वालों से नहीं खरीदता हूँ। फिर किससे खरीदते हैं? मेरी किराना दुकान है अनाज की, मेरा लाइसेंस है वैष्णो ट्रेडिंग के नाम से भी। मैं खर्चे जो ये आता है उसी को साफ सुफ करके वापसी बेचता हूँ। मैं मंडी किस लिए लाए थे आप इसका चावल? मंडी चावल नहीं लेकर साफ करवाने लेके आया था, जो मेरे पास 12-15 कट्टे हैं। मंडी में कब से चावल सफाई का काम चालू हुआ है? मैं तो पहली बार लेके आ रहे हूँ ना साहब। ट्रैक्टर भर कर लाए? ट्रैक्टर भर कर नहीं है, उसमें सब खर्चे खार्ची ज्वार मक्का गेहूँ चने उड़द वगैरह सब ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, चावल कितना? चावल उसमें 12-15 कट्टे हैं। सोसाइटी का है? नहीं, अब ये सोसाइटी का नहीं है, मेरी दुकान पे जो खर्ची में माल आया है उसी को मैं लेके साफ सुफ करके वापसी पैक दो दो किलो के पैक बना के बेचता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? संजू राठौड़। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।